नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा 3.0 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफिकल्ट सीरीज लेकर आए हैं और इस डिफिकल्ट सीरीज में जीएस के जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जामों में आया हुआ है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए है जेसी बोस, ऑप्शन बी है हिडेकी हुआका, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है एसएन बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिडेकी हुआका। हिडेकी हुआका परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं जेसी बोस, इसरो ने क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था। ऑप्शन सी है जो जे थॉमसन, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक खोज किया था। एसएन बोस ने, जिसने बोसिन थ्योरी दिए थे। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड और टॉपिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन हो गया और पोट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, चीन लेवल का रासायनिक नियम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइपरक्लोराइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर बी देख लें तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं और इसे सगरन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का उपयोग सॉस, फ्रूट जूस, जैम और अचार में प्रयोग किया जाता है और इसका अधिक इस्तेमाल होने से कैंसर रोग भी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को विनजक चूर्ण भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसे विनजक चूर्ण कहते हैं। इसका उपयोग अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है जो पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लगभग एग्जामों में इसका फॉर्मूला पूछी देता है या पूछता है विनजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथेनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक है फिनलैंड और दूसरा देश है कौन सी है? तो ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है डेनमार्क। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है दोस्तों, अब देख लें फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसका मुद्रा यूरो। और इसके बाद स्वीडन देख लेते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसका मुद्रा क्रोना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, डैश ईसी में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया और इससे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी है 1875 और ऑप्शन नंबर डी है 1947। इसका सही आंसर होगा 1875। दोस्तों 1875 में कायापलट की एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। ठीक है, 1857 इसमें सिपाही विद्रोह हुआ था और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिक्री इसका एक उदाहरण है एकल लवण का। ऑप्शन नंबर ए है एकल लवण, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्स साल्ट, ऑप्शन नंबर सी है टेबल साल्ट, ऑप्शन नंबर डी है द्विक लवण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विक लवण। ठीक है दोस्तों, अब फिटिक्री का फॉर्मूला पूछ लेता है कभी, इसका आणविक सूत्र क्या है इसको देख लेते हैं। इसका सूत्र है K2SO4Al2SO4 3×24H2O होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन करता है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है गिब्रेलिस, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर डी है ऑब्सिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन। कौन होगा इसका आंसर? साइटोकिनिन होगा जो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। इसे 1955 ईस्वी में मिलर ने साइटोकाइन की खोज की थी, जैसा इसका नामकरण लीथाम ने किया था। क्या किया था? 1955 ईस्वी में मिलर ने साइटोकाइन की खोज की थी दोस्तों, और इसका नामकरण कौन किया था? लीथाम ने किया था। ये पादप फ्रोम है। उसके बाद ऑक्सिन के देख लेते, ये ऑक्सिन जो होता है इसकी खोज डार्विन ने 1880 में किए थे। ये भी पादप हार्मोन है, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और इसके बाद फ्लोरोजिन्स देख लेते हैं, इसी के साथ फ्लोरोजिन्स आता है, वो भी पादप हार्मोन है जो फूलों को खिलने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने
खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर राजवंश का शासन शुरुआत की। अर्थात डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश का शासन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1207 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1206, ऑप्शन नंबर सी है 1205, ऑप्शन नंबर डी है 1208। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1206। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था और इसी ने ही गुलाम मस की स्थापना में किया था। गुलाम मस 1206 ईस्वी से 1209 ईस्वी तक चला था, जिसने राजधानी लाहौर बनाया था और इस गुलाम मस का अंतिम शासक है सैफुद्दीन कैमूर थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डैश पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है पानी, ऑप्शन नंबर डी है खनिज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भोजन। अर्थात भोजन को पौधों में फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। इसी के साथ देखते हैं फ्लोएम जो होता है जटिल अस्थायी ऊतक होता है, और ये फ्लोएम और जाइलम ही से साथ आता है, वे भी जटिल अस्थायी ऊतक आता है। जाइलम जो क्या कर रहे हैं, ये क्या करता है खनिज और जल को पौधे के जड़ से पौधे के हर एक भागों में पहुँचाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है CH2, ऑप्शन बी है C2H2, ऑप्शन सी है C2H4 और ऑप्शन डी है C2H6। इसका सही आंसर होगा दोस्तों C2H6 होगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें n=2 पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो इसका सही आंसर होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, दोस्तों यहाँ पर कार्बन नहीं होगा, इसको सुधार के लिए यहाँ पर दिया क्लोरीन, क्लोरीन क्वेश्चन में था, मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन बी है अल्मोनियम, ऑप्शन में सी है सल्फर, ऑप्शन में डी है फॉस्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्लोरीन देख लेते हैं दोस्तों, ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 7A, जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है दोस्तों, और इस दोस्तों हैलोजन ग्रुप में आता है, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछेगा तो हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ए तरी ग्रुप पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, 7A। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन डी है 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है, तब 18। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2n² जिससे अधिकतम संख्या निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों का। अब n के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्रथम सेल होगा, n के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड सेल, n के वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड सेल। तो जब n के वैल्यू 3 पुटेंगे तो 2 हो जाएगा, आइए 9 हो जाएगा, तो कितना होगा 18 हो जाएगा, अर्थात सर्वर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम रहते रहते हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।